हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन के लिए के आ गई हूँ। आज के सेशन में 75 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। पूरे धैर्य के साथ एक एक क्वेश्चंस को आप शुरू से लास्ट तक देखिए और इसी तरह डेली बेसिस पे मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दीवारों पर 100 बार चढ़ती है और गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, एक बार आप कोशिश करेंगे हार जाएंगे, फिर उसके बाद डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। कहते हैं एक बूंद बूंद करके पत्थर को तोड़ सकता है। उस बूंद में, एक बूंद में क्या ताकत है जो पत्थर को तोड़ सकता है? कोई ताकत नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी में ताकत है। बार बार उस बूंद बूंद को गिराने से वो पत्थर भी फूट जाता है। तो कोई भी चैप्टर कितना भी कठिन हो, आप एक बार समझ में नहीं आ रहा है, 10 बार पढ़िए, ठान लीजिए कि हमको समझना ही है, तो अवश्य समझ में आएगा। इसी मोटिवेशन के साथ आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइको एनालिटिक थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो दोस्तों, साइको एनालिटिक थ्योरी को दिया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। एक खेल के सैद्धांतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अन्य सिद्धांत में आप खेल के सैद्धांतिक सिद्धांत वाले वीडियो को मेरे देख लीजिए, जिसमें आपको डिटेल में सभी चीज बताया गया है, जैसे कि सरपल्स एनर्जी थ्योरी यानी अतिरिक्त शक्ति की धारा हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने दिया है। भविष्यदर्शी धारणा यानी कि एंटीसिपेटरी थ्योरी को दिया है कार्ल ग्रूस ने। मनोरंजनात्मक धारणा रिक्रिएशनल थ्योरी दिया है लॉर्ड केम्स एंड जी डब्ल्यू पैट्रिक ने। पुनः अवलोकन धारणा रिकैपिचुलेटरी थ्योरी को दिया है जी स्टेनली हॉल ने। मनोविश्लेषण धारणा सिगमंड फ्रायड ने। रेचन विरेचन धारणा अरस्तु ने। सामाजिक धारणा यानी सोशल थ्योरी दिया है अरस्तु ने। खेल ही जीवन है धारणा यानी प्ले इज लाइफ थ्योरी दिया है जॉन डीवी ने। सहज प्रवृत्ति धारा इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी दिया है विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मैचिंग करना है। ये सारे शिक्षा के इतिहास रिलेटेड क्वेश्चन है मिलान करने वाला। ये है लुडविक जान। तो दोस्तों, फ्रेडरिक लुडविक जान जो है जर्मनी में सारी शिक्षा को राष्ट्रीय संस्कृति देशभक्ति लाने वाले थे। तो इन्होंने टर्वेनियन आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया था? टर्वेनियन इन्होंने आंदोलन चलाया था। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। एंड जॉन डीवी, ये प्रयोगवाद के जनक हैं, जिसे व्यवहारिकतावाद प्रैग्मेटिज्म डेविज्म भी बोला जाता है। तो बी का 4 हो जाएगा। एंड पी कुबर्टिन, डी है क्या? बैरेन पियर डी कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरुआत करने वाले हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल के पितामह हैं। तो डी का हो जाएगा 2 यानी आधुनिक ओलंपिक खेल। एंड पी एच लिंग यानी कि पर हेनरिक लिंग ने शैक्षिक जिम्नास्टिक को खोज किया था, एजुकेशनल जिम्नास्टिक। तो सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ग राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी आपको सूची 1 का 2 से मिलान करना है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो यहाँ पे आपको आएगा नहीं, इसको मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ क्या सही है। इसका ऑप्शन नंबर क आपका राइट है। इसमें हो जाएगा नेतृत्व। नेतृत्व जो है इसको दिया है LSS। एंड बी है व्यग्रता, जिसका राइट है बी का 4। एस सी ए टी। एंड सी है व्यक्तित्व, जिसका राइट है 2 POMS। एंड डी है समूह एकजुटता, जिसका राइट है GEQ। इस प्रकार क आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकजुटता के कारक होते हैं। तो एकजुटता के कारक क्या होते हैं? तो
दोस्तों एकजुटता के कारक होते हैं सामाजिक सहयोग एंड दल की संतुष्टि। सामाजिक सहयोग एंड दल की संतुष्टि ऑप्शन नंबर ख यहां पे राइट हो जाएगा, तीसरा एंड दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, शारीरिक शिक्षा के प्रशासन और संगठन को कौन निपुण बनाता है? तो शारीरिक शिक्षा में संगठन और प्रशासन को जो उच्चतम शिक्षित व्यक्ति रहेंगे वही उसको निपुण बनाते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की पाठ योजना बनाते समय किसे महत्वपूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए? शारीरिक शिक्षा का पाठ योजना बनाते समय किसे महत्व दिया जाना चाहिए सबसे ज्यादा दोस्तों? तो सीखने वाले की आयु पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा शिक्षण की प्रकृति है कैसा है? तो शारीरिक शिक्षा शिक्षण की जो प्रकृति है वो संरचनात्मक है, सृजनात्मक है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण के प्रति अरुचि के लिए निम्न में से प्रमुख कारक अगुवाई करते हैं। अरुचि, रुचि, अरुचि ये सब व्यक्तिगत समस्याएं हैं। कौन सी समस्याएं हैं? व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन ए है कि शारीरिक शिक्षक उच्चतम कौशल युक्त होना चाहिए, राइट है। आर इसका कारण है कि शारीरिक शिक्षा द्वारा सिखाए जाने वाले कौशल का उचित प्रदर्शन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों बात सही है बट आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। ए आर दोनों राइट है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है क्वेश्चन नंबर 10 कि स्थूल व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक होता है। स्थूल यानी कि जो मोटा व्यक्ति होता है, मोटापा से ग्रसित जो होता है उसका बीएमआई जो है 30 से अधिक होता है। एंड जो 22 से 23 के बीच में जो आपका बीएमआई होता है ना वो सबसे ऑल बेस्ट होता है, यानी कि बेस्ट होता है। उससे 18 से कम है तो अंडरवेट यानी कि कमजोर में आ जाएंगे। 22 के बीच में है, 21-22 के बीच में तो आप ऑल गुड हैं, एकदम परफेक्टली हैं। और 30 से अधिक हो गया तो मोटापा के अंदर आ जाते हैं। ये आपका राइट है। एंड आर इसका अभिकथन का कारण है कि बीएमआई व्यक्ति के पोषण स्तर को दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों राइट है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है, पोषण स्तर को दर्शाता है। तो यहाँ पे ख राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों राइट है और ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको एक समूह से दूसरे सूची के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, यानी कि ए है व्यावसायिक नीतियां, इसका हो जाएगा 2, व्यावसायिक आवश्यकता में व्यावसायिक नीतियों की जरूरत पड़ती है। अब बी है आपका समय सारणी बनाना, तो विद्यालय प्रकार का ये होता है। विद्यालय में हम समय सारणी बनाते हैं कि इतना इस सब्जेक्ट का पीरियड रहेगा, इतना इस सब्जेक्ट का, ठीक है। एंड सी है पाठ्यक्रम योजना, तो पाठ्यक्रम योजना व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बनाते हैं, ठीक है। एंड डी है आयु विशेषताएं, तो आयु विशेषता के आधार पर हम क्रियाकलापों का चुनाव करते हैं कि वो 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 20 साल के बच्चे में हम कौन सा क्रियाकलाप उसको दे सकते हैं उसकी कैपेसिटी के अनुसार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ख राइट हो गया। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ये आग्नाशय यानी पैंक्रियाज से स्रावित होता है। आग्नाशय से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन स्त्रावित होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में विखंडित करके पाचन करता है। लाइपेज जो है वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में करके पाचन करता है। एंड ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड या पेप्टोन में बदल करके, पॉलीपेप्टाइड में बदल करके पाचन करता है प्रोटीन का, ट्रिप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दालें, मूंगफली, अंडा, सोयाबीन, ये चारों के चारों प्रोटीन के स्रोत हैं, बट सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद मूंगफली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को सामान्य कार्य हेतु कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? एक सामान्य व्यक्ति है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, कोई भारी काम नहीं कर रहा है, यानी सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मली जो दिनचर्या होती है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो कैलोरी की आवश्यकता होती है 2500 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, सूची 1 का 2 के साथ बिलोंग करना है, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बहुत जल्दी दे लेंगे। तो चलते हैं, विटामिन डी, ए क्या है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स यानी सूखा रोग, तो ए का 4 हो जाएगा। एंड विटामिन बी 2 की कमी से पेलाग्रा यानी चर्म रोग हो जाता है, तो बी का 3 हो जाएगा। एंड विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, सी का 2 हो जाएगा। एंड विटामिन सी की कमी से स्कर्वी दांतों मसूड़े में रक्त आती है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, स्ट्रेचिंग क्रियाएं निम्न में से किसकी प्रगति करती है? दोस्तों स्ट्रेचिंग जहां भी है वहां फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलापन को बढ़ाता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण में सुपर कंपनसेशन का प्रभाव का कारण है? तो दोस्तों सुपर कंपनसेशन का कारण है भार और विश्राम के मध्य उपयुक्त अनुपात, भार और विश्राम के मध्य उपयुक्त अनुपात, यानी कि सुपर कंपनसेशन होता क्या है, मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया है कि जब खेल क्रियाओं के दौरान एक ऐसी अवस्था भी आती है जब खिलाड़ी के अंदर जाने वाले ऑक्सीजन की सप्लाई व उसके उसे प्राप्त होने वाली आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस दौरान हम खेल क्रियाओं को बंद कर देते हैं तथा उस बंद अवस्था के दौरान आवश्यक ऑक्सीजन व ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं तथा कुछ समय पश्चात पुनः खिलाड़ी के अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है तथा वह खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से पुनः संपादित करने के योग्य हो जाता है, उसी अवस्था को ही हम कहते हैं सुपर कंपनसेशन, ठीक है। यानी कि एक ऐसा समय आया, ऊर्जा भी खत्म हो गया, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा देर हम आराम किए, उसके बाद पुनः सब बन गए, ऊर्जा भी बन गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, उसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छे, यानी कि पुनः हम उस ऊर्जा को प्राप्त करके पुनः अच्छे ढंग से कार्य संपादन करने के लिए तैयार हो गए, उसी को कहते हैं सुपर कंपनसेशन, यानी कि पहले भार दिए, फिर विश्राम किए, फिर हम कार्य करने को रेडी हो गए, इसलिए भार और विश्राम के मध्य उपयुक्त अनुपात को हम सुपर कंपनसेशन का प्रभाव का कारण कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्न का जोड़ा बनाइए, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि प्रशिक्षण की चक्रियता, प्रशिक्षण की चक्रियता, ये क्या है चक्रियता का सिद्धांत, ये खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ए का 2 हो जाएगा। प्रशिक्षण चक्र क्या है? एक समयबद्धता होता है, इसके अंतर्गत मैक्रो चक्र, मीजो चक्र, माइक्रो चक्र आता है, तो ये आपका बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड साइकिल चलाना आपका हो जाएगा वेलोड्रम, खिंचाव संकुचन व्यायाम आपका प्लायोमेट्रिक में होता है, विस्फोटक शक्ति को बढ़ाता है, इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर घोर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जोड़ा बनाइए, कौन से? मेडिसिन बाल थ्रो एक प्रकार का व्यायाम है, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। एंड ट्रम्पोलिन एक प्रकार का जिम्नास्टिक है, तो सी का 3 हो जाएगा। ए का 2, ट्रम्पोलिन क्या है? जिम्नास्टिक है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो सी का 3 हो जाएगा, ठीक है, ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक है। एंड ए का 2, मेडिसिन बाल थ्रो क्या है? व्यायाम है। एंड यूनान के स्थान का नाम ये मैराथन है, ठीक है, मैराथन ईरान के एक स्थान का नाम था जिसी के नाम पर मैराथन दौड़ पड़ा है, तो डी का 4 हो जाएगा। एंड ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो टाइपिंग में मिसिंग है,
यहाँ फार्टलेट प्रशिक्षण हो सकता है जो सहनशीलता को बढ़ाता है, तो यहाँ पे बी का वन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को टू के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची वन में आपके खेल की शब्दावलियां दिया गया है, टू में खेल दिया गया है, उससे आपको मिलाना है। सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसको फटाफट से मिलाइए। जैसे कि गुगली शब्द किससे है, क्रिकेट से रिलेटेड है, तो डी का वन हो जाएगा। ड्यूस शब्द किससे रिलेटेड है, तो टेनिस से रिलेटेड है, सी का टू हो जाएगा। ठीक है, तो डी का वन, सी का टू। एंड कैडी शब्द किससे रिलेटेड है, गोल्फ से, तो बी का फोर हो जाएगा। एंड बुल्स आई जो है यह निशानेबाजी से रिलेटेड है, तो ए का थ्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर को यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, लंबी अवधि की प्रशिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित योजना सम्मिलित है। तो यहाँ पे मेजो चक्र, माइक्रो चक्र, मैक्रो चक्र, ओलंपिक योजना, ये सभी चीजें सम्मिलित है। बट आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि योजनाओं को अवधि की दृष्टि में आरोही क्रम में सुनिश्चित करें। आरोही यानी छोटे से बड़े में आपको श्रेणीबद्ध करना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, माइक्रो चक्र सबसे पहले क्या होगा, दूसरा, फिर मीजो चक्र दूसरा, फिर पहला, ठीक, फिर मैक्रो चक्र योजना, फिर चौथा हो जाएगा, उसके बाद ओलंपिक योजना यानी कि कंपटीशन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ए ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैंग तकनीक किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों हैंग तकनीक जो है वह रिलेटेड है लंबी कूद से, लॉन्ग जंप से। तो और लॉन्ग जंप से हैंग लटकना तकनीकी, हिचकिक ट्रेनिंग टेक्निक जिसे साइकिलिंग विधि भी कहते हैं, एंड सेल मेथड भी, सेल स्टाइल भी रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायु गति मापक यंत्र कौन सा है। तो इसमें वायु गति मापक यंत्र है एनीमोमीटर, वायु की गति मापक यंत्र है एनीमोमीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शोध अध्ययन की सीमा को इंगित करता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा परिसीमन। नेक्स्ट है, शोध में उचित परिकल्पना किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो उसके साहित्य जांच के द्वारा, साहित्य जांच के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत अध्ययन में शामिल नहीं है। दोस्तों अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, ये तीनों व्यक्तिगत अध्ययन में शामिल है, बट मापन जो है नहीं शामिल है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शोध का विषय नहीं है। वस्तु है, क्रियाकलाप है, व्यक्ति भी है, बट धारणा नहीं है शोध का विषय। नेक्स्ट है, प्रतिशत के परिपेक्ष में एक मानक विचलन का मध्यमान के किसी भी ओर विचलन होता है। तो इसका राइट आंसर है क, 34.14%। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी असभ्यता प्रतिदर्श है। तो ए है आपका स्नोबॉल प्रतिदर्श। नेक्स्ट है, शोध के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ विचलन माप कौन सा होता है। तो वह होता है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है। तो दोस्तों विलाई जो है छोटी आंत में होता है जो पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। वेंट्रिकल यानी कि जो निलय होता है हृदय में होता है। और मेडुला गुर्दे यानी कि इसको कंट्रोल करता है, मेडुला जो गुर्दा यानी किडनी के होता है, कांटे से मेडुला दो भाग होते हैं, तो ये भी राइट है। लैरिंग्स आंखें से कोई संबंध नहीं है, लैरिंग्स कंठ है, कंठ को कहते हैं, और आंख यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घ, और असंगत जोड़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों, हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता की स्पर्धा को सही क्रम में लगाइए। तो दोस्तों हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए होता है जिसमें 7 इवेंट होते हैं, प्रथम दिन 4 इवेंट, दूसरे दिन 3 इवेंट। तो इसके अंतर्गत आपको ट्रिक मैंने बताया है कि 100 मीटर का ऊंचा गोला 200 में खरीदा, ये पहले दिन का ट्रिक है।
और दूसरे दिन का ट्रिक है कि बेचने पर लाभ 800 का हुआ। तो 100 मीटर का ऊंचा गोला, यानी कि पहले दिन का पहला इवेंट हो गया 100 मीटर बाधा दौड़। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा कौन, आपको व्यवस्थित करना है क्रमवाइज, व्यवस्थित करना है क्रमवाइज। तो सबसे पहले चौथा क्या हो जाएगा, सातवां, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा आपका 100 मीटर धावन यानी कि बाधा दौड़। उसके बाद हो जाएगा 100 मीटर का ऊंचा गोला यानी कि ऊंची कूद, यानी कि चौथा हो जाए, छठवां हो जाएगा। उसके बाद 60 फुट ऊंचा गोला यानी गोला को 60 फुट, ठीक है, पांचवा हो जाएगा। उसके बाद 200 में खरीदा यानी कि 200 मीटर धावन दौड़ चौथा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका बेचने पर लाभ 800 का हुआ, ला से लंबी कूद, भ से जेवलिन थ्रो, 800 मीटर दौड़, ठीक है। उसके बाद लंबी कूद तीसरा हो जाएगा, उस जेवलिन थ्रो दूसरा हो जाएगा, फिर 800 मीटर धावन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग आपका राइट है। यदि आप डेकाथलान, हेप्टाथलान, पेंटाथलान, ट्राइथलान इन चारों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो एथलेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए, इन चारों के बारे में अच्छे से ढंग से ट्रिक के साथ जानिए जो आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है क्रॉस वेबर परीक्षण क्या मापता है, तो न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति को मापता है। यह क्रॉस वेबर ने 1954 में बनाया था। नेक्स्ट है बास्केटबॉल में 3 सेकेंड नियम कहाँ उपयोग होता है, तो बास्केटबॉल में 3 सेकेंड का उपयोग प्रतिबंधित एरिया क्षेत्र में उपयोग होता है। नेक्स्ट है किसी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 45 मैच खेले गए, प्रत्येक टीम ने प्रत्येक अन्य टीम के साथ एक बार मैच खेला, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ मैचों की संख्या ज्ञात करने का नहीं दिया है, टीमों की संख्या क्या होगी, 45 मैच खेले जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये सिंगल लीग की बात कर रहा है। सिंगल लीग में प्रत्येक टीम के साथ एक बार मैच खेलती है, तो सिंगल लीग का सूत्र होता है N-1/2 मैचों की संख्या ज्ञात करने का, बट यहाँ पे मैचों की संख्या ज्ञात हो गया है, यानी कि 45 आया है मैचों की संख्या, इसका मतलब इसके पहले 90 आया होगा तभी अपान 2, 90/2 करेंगे तो 45 आएगा, इसका मतलब 10 टीमें रहा होगा तभी तो N-1 करने पर 45 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 राइट हो जाएगा घ। नेक्स्ट है इनमें से परीक्षण तथा माप के लिए कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वह होता है वैलिडिटी यानी वैधता, कि जिसलिए हम परीक्षण को बनाए हैं क्या वही चीज वो मेजर कर रहा है, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। नेक्स्ट अभिकथन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 37। अभिकथन ये है कि टी टेस्ट का उपयोग मध्यमान के दो समूह के बीच के अंतर की सार्थकता के परीक्षण के लिए किया जाता है, राइट है, ठीक है, अभिकथन ए राइट है। आर है कि टी टेस्ट एक एकल प्रतिदर्श जिसकी संख्या की वैधता ज्ञात नहीं है कि निराकरणीय प्रकल्पना का एक प्रचलित अनुभाविक सांख्यिकी परीक्षण है। तो दोस्तों यहां पे ग राइट हो जाएगा, ए राइट है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में क्रियाकलापों के आयोजन का आधार होना चाहिए, तो शारीरिक शिक्षा में क्रियाकलापों का क्या आधार होना चाहिए दोस्तों, तो इसमें होना चाहिए आयु तथा लिंग विशेषताएं, आयु तथा लिंग विशेषताएं आधार होना चाहिए, उसके आधार पर ही कोई क्रिया का उसके लिए चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि सबके बीच में आपसी संबंध कैसा है। नेक्स्ट है एक अच्छे शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में अवश्य होने चाहिए, तो एक अच्छे शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में तकनीकी कौशल अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घटक कक्षा प्रबंधन को प्रभावित नहीं करता, इन चारों में से कौन ऐसा है जो कक्षा प्रबंधन को प्रभावित नहीं करता, तो दोस्तों पहले देखेंगे कौन करता है, कक्षा का आकार कैसा है ये करता है, आयु कितना है बच्चे का, लिंग कैसा है ये भी करता है, सामाजिक स्थिति कैसा है ये भी करता है, बट पूर्वानुभव नहीं करता है।
नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की प्रशासन परिपाटी में कार्य के आवंटन का आधार होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो योग्यता होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा की प्रशासन परिपाटी में कार्य के आवंटन, हम बंटवारा कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को, इसका एक कार्य होगा, इसका एक कार्य होगा। किस आधार पर हम बंटवारा करेंगे? तो उसकी योग्यता के आधार पर। नेक्स्ट है, जहां प्रबंधन का सामान्य अर्थ है कार्य नियोजन, वहां प्रशासन का अभिप्राय क्या है? तो कार्य नियोजन मतलब प्रबंधन, मैनेजमेंट, जबकि प्रशासन का होता है कि सब में कार्य का बंटवारा कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट होगा? यहाँ पे राइट होगा आपका कार्यों का योजना का क्रियान्वयन। ठीक है, क्रियान्वयन। नेक्स्ट है, सूची वन को टू के साथ आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ख, यानी कि आय वयस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्री, सामाजिक प्रबंधन स्तर। योजना जो है इसका राइट हो जाएगा लीडर। एंड प्रशिक्षण एवं विकास जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा एचआर। प्राप्ति जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा टू, क्रय समिति। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी गुणात्मक स्वभाव के आंकड़ों में हम किस प्रकार से संबंध स्थापित करेंगे? तो गुणात्मक जो एक क्रम के आधार पर कोई भी विकास होता है, विकास में गुणात्मक स्वभाव होता है। ठीक है, तो उसमें एक क्रम होता है, तो क्रम रैंक का एक सहसंबंध होता है। ऑप्शन नंबर क राइट होगा। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए। ओलंपिक ध्वज के गोलों के रंगों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सही अनुक्रम होता है नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। इस प्रकार सभी रंग एक एक महाद्वीप का प्रतीक है, ये दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, सूची वन के साथ टू में मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल का राइट हो जाएगा 1950, ए ही हो जाएगा। तो ए का वन हो जाएगा, ए का वन हो जाएगा। एंड हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुआ था 1971 को, तो बी का बी हो जाएगा। वॉलीबॉल जो है विश्व वॉलीबॉल की प्रथम प्रतियोगिता, प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष की हुआ था वॉलीबॉल की 1949 पैराग्वे चेकोस्लोवाकिया में, तो सी का फोर हो जाएगा। एंड फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत हुआ था 1930 हेमिल्टन कनाडा में, तो आपका डी का थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को उनके वर्ष में खेले जाने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ग्रैंड स्लैम टेनिस में चार टूर्नामेंट होते हैं प्रत्येक वर्ष, जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, सबसे लास्ट में यूएस ओपन। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उनके खेले जाने का क्रम, तो सबसे पहले आयोजित होता है साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन तो आपका हो जाएगा सबसे पहले दूसरा। ठीक है, उसके बाद आयोजित होता है फ्रेंच ओपन, फिर हो जाएगा चौथा। उसके बाद आयोजित होता है विंबलडन ओपन, और सबसे लास्ट में आयोजित होता है यूएस ओपन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, तैराकी में व्यक्तिगत मिडले इवेंट में स्ट्रोकों का क्रम क्या रहता है? तो यहाँ पे आपको देखना है तैराकी में मिडले व्यक्तिगत प्रतियोगिता में जो इवेंट होते हैं किस क्रम में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल। इस क्रम में होता है एकल तैराकी में व्यक्तिगत मिडले इवेंट में स्ट्रोक। तो तैराकी चार प्रकार का होता है, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल। ये
मिडिले व्यक्तिगत इवेंट में इस प्रकार का क्रम रहता है, जबकि सबसे तेज गति की तैराकी की तकनीकी कौन सा है? फ्री स्टाइल। कौन है? फ्री स्टाइल। इसको आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है, कौन से शहर में 21वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था? तो दोस्तों 21वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 में, जबकि 2022वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, एंड 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का 2 के साथ मिलान करना है, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चंस है, नहीं ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे जो आ रहा है उसको पहले मिलाइए। जैसे FIFA फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था, तो डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था, तो सी का 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी डी का 4 सी का 3 हो जाएगा। उसके बाद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुआ था 1909 में, तो बी का 2 हो जाएगा। NIWF ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 1905 में, ए का 5 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है सूची 1 का 2 के साथ, लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, किस वर्ष में शुरुआत हुआ उसके हिसाब से आयोजन। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, लेकिन सबका शुरुआत कब हुआ? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है विंबलडन ओपन। कौन है? विंबलडन ओपन, जिसकी शुरुआत 1877 में हुआ था, तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। एन यूएस से जो, ठीक है, उसके बाद आपका शुरुआत हुआ था 1881 में, कौन सा हुआ था? यूएस ओपन 1881 में, तो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद शुरुआत हुआ था फ्रेंच ओपन 1891 में, सी का 3 हो जाएगा। एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे लास्ट में हुआ था 1905 में, तो डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 का 2 से मिलान करना है, मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्ति की आयु ज्ञात करने की विधियां हैं, क्रोनोलॉजिकल एज, एनाटॉमिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज, मेंटल एज, तो इसी को आपको मिलाना है। तो शरीर रचना आयु यानी कि एनाटॉमिकल एज में हम अस्थियों और दांतों से गणना करते हैं, तो ए का 1 हो जाएगा, अस्थि विकास, तो ए का 1 ही हो जाएगा। एंड कालक्रमिक आयु जो होता है उसको कैलेंडर आयु भी कहते हैं, तो कैलेंडर वर्ष महीने सप्ताह दिन आपका राइट हो जाएगा, बी का 3। एंड सी है शारीरिक क्रियात्मक आयु यानी फिजियोलॉजिकल एज में हार्मोनस इम्बैलेंस जो होता है उससे लड़के लड़कियों में दिखाई देता है युवा अवस्था में, तो सी का 4 हो जाएगा। गौण लिंग विशेषताएं, ठीक है, सी का 4 हो जाएगा। एंड मानसिक आयु आपका बौद्धिक विकास से रिलेटेड होता है, तो डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि शरीर के अवयवों को आरोही क्रम में सही अनुक्रम का चयन करें। तो यहाँ श्वसन तंत्र से रिलेटेड दिया है, तो आपको पता है सबसे पहले वायु नाक में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है? कंठ में यानी कि लैरिंग्स में जाता है, फिर श्वास प्रणाली यानी कि ट्रेकिया यानी कि श्वास नली में जाता है, उसके बाद फेफड़े में जाता है, तो एक क्रम आपका ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट है, मांसपेशी में जेड लाइन की दूरी को क्या कहा जाता है? तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया है आपको कई बार कि मांसपेशी जो स्केलेटल मसल्स है, दो फिलामेंट एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बना है, एक्टिन हो गया एक्टिन मायोसिन, ठीक है,
एक्टिन हो गया, बीच में मायोसिन हो गया, फिर एक्टिन हो गया। यहाँ पे आपको एक्टिन पर दो लाइन जेड लाइन आपका काटती है, तो इसके जो बीच का स्थान है इसको हम कहते हैं सार्कोमियर। ठीक है, मांसपेशी की संकुचनशील इकाई होती है सार्कोमियर। तो इस बीच वाले जहाँ पे जो दो जेड लाइन के बीच में एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है उसको सार्कोमियर बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्कोमियर। क्या हो जाएगा? सार्कोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष मैराथन धावक की ऑक्सीजन खपत समानता कितनी होती है? तो दोस्तों पुरुष मैराथन धावक की ऑक्सीजन खपत एक मिनट में 5100 मिलीलीटर प्रति मिनट हो जाता है। कितना? 5100 मिलीलीटर प्रति मिनट हो जाता है। वैसे तो दोस्तों नॉर्मल स्थिति में 250-350 मिलीलीटर ही होता है। नेक्स्ट है, कोरोनरी आर्टरी का क्या कार्य है? दोस्तों कोरोनरी आर्टरी जो होता है, जब बाएं नीलय से रक्त शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में भेजा जाता है तो महाधमनी की प्रथम शाखा होती है कोरोनरी आर्टरी। यह कोरोनरी धमनी हृदय में चारों तरफ फैली रहती है छोटी छोटी शाखाओं में, और यह हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर क राइट हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, कलाई की संधि को बनाने वाली हड्डियों का नाम बताइए। तो कलाई में जिसको कार्पस ज्वाइंट बोला जाता है, तो कार्पस में कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, तो रेडियस आलना होगा नहीं, आपका हो जाएगा, आपका कौन सा होगा? ए आपका राइट होगा। क्या राइट होगा? पिसिफॉर्म ल्यूनेट स्केपोइड, ए आपका तीनों राइट होगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर को आपका राइट होगा, तीसरा चौथा एंड पांचवा। नेक्स्ट है अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिकथन ए है कि तंतुमय अस्थि संधि में हलचल बिल्कुल नहीं होता। तो तंतुमय अस्थि संधि यानी कि फाइबर्स ज्वाइंट्स जो होता है मस्तिष्क के खोपड़ी के संधि को कहते हैं, जिसे सुचर ज्वाइंट भी बोलते हैं, ये अचल संधि में होता है, यानी कोई हलचल नहीं होता। इसका मतलब अभिकथन ए क्या है? राइट है। अभिकथन ए क्या है? राइट है। आर है कि हिंज यानी कब्जेदार संधि तंतुमय अस्थि का श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। नो दोस्तों, कब्जेदार संधि हिंज ज्वाइंट जो है साइनोवियल ज्वाइंट यानी कि चल संधि की उदाहरण है, इसलिए आर आपका गलत है। इस प्रकार ए राइट है परंतु आर गलत है, आपका घर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर शब्द में सोडियम, शरीर द्रव्य में सोडियम की मात्रा स्तर किस हार्मोन के द्वारा स्थिर होता है? तो वह होता है एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट है, जब सेंट्रल तथा पेरिफेरल तंत्र को इकट्ठा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तंत्रों को इकट्ठा किया जाता है तो उसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल तंत्र। नेक्स्ट है, दाएं तरफ अलिंद निलय के छिद्र को ढकने वाले वाल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हृदय में 4 कपाट होते हैं। एक कपाट होता है जो दाएं भाग में दाएं अलिंद दाएं निलय के बीच में होता है, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व। एंड दूसरा कपाट होता है बाएं अलिंद बाएं निलय के बीच, जो मिडल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व होता है। एंड एक होता है पल्मोनरी धमनी में जहां से जाता है पल्मोनरी वाल्व, जो दाएं निलय से रक्त पल्मोनरी धमनी के रास्ते रक्त को ले जाता है, पल्मोनरी वाल्व के रास्ते जाता है। चौथा कपाट होता है एरोटिक वाल्व, जब बाया निलय से शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में प्रवेश करता है। 4 वाल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड को एथलेटिस में किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों एक स्प्रे होता है जिसमें इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस होता है,
वह बर्फ उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों डायुरेटिक्स क्या है। तो डायुरेटिक्स क्या होता है, शरीर में मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है और शरीर को भार को कम करता है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा क, शरीर में मूत्र की मात्रा बढ़ा देता है जिससे बहुत जल्दी शरीर का भार घटता है। नेक्स्ट अर्ध विभाजन विधि यानी कि स्प्लिट हाफ मेथड किसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सही उत्तर चुनिए, मोड़ना और प्रसारण करना। मोड़ना और प्रसारण करना यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना किस एक्सिस में होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं प्लेन और एक्सिस, एक्सिस एक धुरी होता है जिसे एक फिक्स काल्पनिक रेखा होता है जिसके चारों ओर गति होती है, जबकि प्लेन का होता है वह सतह जो अक्ष के लंबवत पाया जाता है जिसे शरीर में गति होती है। जो प्लेन होता है तीन प्रकार का होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, ये प्लेन की बात हो रहा है। दूसरा प्रकार का प्लेन है फ्रंटल प्लेन, जो जिसके कोरोनल एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं, जो शरीर को आगे पीछे बांटता है और गति दाएं बाएं यानी एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट होता है। तीसरा प्रकार होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। एंड जो एक्सिस होता है वो तीन प्रकार का होता है, अक्ष जिसे कहते हैं, जो एक काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर गति होती है। फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल एक्सिस जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, जो सेजिटल प्लेन की लंबवत होती है। इसका मतलब सेजिटल प्लेन में क्या होता है, एब्रेशन एडेशन मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। तो आपका फ्रंटल एक्सिस हो गया। एंड सेजिटल एक्सिस जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कराता है, जो फ्रंटल प्लेन की लंबवत होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट, यहाँ पे राइट हो जाएगा फ्रंटल एक्सिस। तो दिया नहीं है तो इसको हम बोलेंगे मीडियल लेटरल एक्सिस, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा। प्लेन और एक्सिस के बारे में जानना है तो आप किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और इन सब के बारे में डिटेल में जानिए। नेक्स्ट है सही उत्तर चुनिए, फ्रंटल प्लेन शरीर को विभाजित करता है। तो दोस्तों फ्रंटल प्लेन शरीर को आगे पीछे यानी सामने और पीछे के अर्ध विभाजन को बांटता है। नेक्स्ट है काइनेटिक अध्ययन करता है। तो दोस्तों काइनेटिक के अंतर्गत गति और बल का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर एक, वन और टू राइट होगा। नेक्स्ट है सही विकल्प चुनिए, ऑप्शन है घर्षण कौशल के लिए ऋणात्मक बल है, घर्षण कौशल के लिए धनात्मक बल है, घर्षण कौशल के लिए ऋणात्मक धनात्मक बल है। तो राइट है दोस्तों, घर्षण ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है। रुखड़ा सतह है तो धनात्मक होगा, घर्षण ज्यादा होगा। चिकना सतह है तो घनत्व जो है वो घर्षण जो है ऋणात्मक होगा, फिसल के गिर जाएंगे। इस प्रकार गौर राइट है। नेक्स्ट है प्रथम प्रकार का उत्तोलक यांत्रिकी लाभ किस रूप में प्रदान करता है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक को संतुलन का लीवर कहते हैं, जिसमें एक्सिस बीच में होता है फोर्स एंड रेसिस्टेंस के। द्वितीय प्रकार के लीवर में भार यानी रेसिस्टेंस बीच में होता है फोर्स एंड एक्सिस के। तृतीय प्रकार के लीवर को गति का लीवर कहते हैं, जिसमें फोर्स बीच में होता है एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के। तो यहाँ भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक जो है गति, बल और संतुलन, इन तीनों का यांत्रिक लाभ देता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिआकर्षण बल के अतिरिक्त वस्तु की हवा में गति प्रभावित होती है। तो प्रतिआकर्षण के अतिरिक्त वस्तु की हवा में गति प्रभावित होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। यानी कि प्रतिआकर्षण बल के अतिरिक्त वस्तु की हवा, कोई वस्तु हम थ्रू किए हैं हवा में तो किससे प्रभावित होगा, रुक जाएगा वो किससे, किसे
वायु प्रतिरोध करेगा, ठीक, एन वस्तु का भार पर आधारित होगा, एन चक्री घुमाव, इन सब के कारण वस्तु रुक जाती है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक पहलू को कहा जाता है, तो दोस्तों मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक पहलू को कॉग्निशन कॉग्निटिव बोला जाता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का रीइंफोर्समेंट सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों अभिप्रेरणा का रीइंफोर्समेंट सिद्धांत को दिया है स्किनर ने, किसने, स्किनर ने, और स्किनर ने सीखने के सिद्धांत में दिया है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। नेक्स्ट प्लेटो को जन्मदाता कहा जाता है, दोस्तों प्लेटो जो है आदर्शवाद यानी आइडियोलिज्म के जन्मदाता हैं, एंड दोस्तों प्रकृति यथार्थवाद के जन्मदाता हैं अरस्तु, व्यवहारिकतावाद उपयोगितावाद यानी प्रैग्मेटिज्म प्रयोगवाद के जन्मदाता हैं जॉन डेवी, प्रकृतिवाद के जन्मदाता हैं प्रवर्तक हैं रूसो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट है 75 है, अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन ए है कि लैक्टिक एसिड अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का युग्मनज है, एकदम राइट है, लैक्टिक एसिड जो है अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है जिसमें लैक्टिक एसिड होता है जमा होता है, एंड आर है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड बनते हैं, तो दोनों यहाँ पे राइट है दोस्तों, अनएरोबिक क्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है और यह ऑक्सीजन के कमी के कारण बनता है, इस प्रकार ए और आर दोनों राइट है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों आज के सेशन में 75 क्वेश्चंस थे, ये सभी 75 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।